हेलो गाइस, एप्स फॉर पीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ड्राइव को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज़ और पीसी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको डाउनलोड सर्च कर लेना है गूगल ड्राइव फॉर पीसी। यहाँ से फर्स्ट रिजल्ट शो होगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है गूगल ड्राइव। यहाँ पर से आप क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं अब डाउनलोड हो रहा है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं उसको डाउनलोड नहीं करूँगा, तो यहाँ से अभी स्टॉप करता हूँ। यहाँ से आपको सेटअप पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर से आपको यार डेस्कटॉप शॉर्ट और जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। ऐसे आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। देख सकते हो गूगल ड्राइव सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से आपको लॉन्च पर क्लिक कर लेना है। अभी वेट करते हैं। गूगल ड्राइव के साथ आपको 15 GB एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलेगा, वहाँ से आप बैकअप सबके लिए यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पीसी में चले जाना है। ऐसे आपको दिस पीसी पर क्लिक कर लेना है। ऐसे आप देख सकते हो गूगल ड्राइव मेरा एक्स्ट्रा स्टोरेज आ चुका है। यहाँ से 15 GB आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको डबल क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से आप अपने पीसी में गूगल ड्राइव को इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।